हेलो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज 5 फरवरी ट्वेल्थ लेवल सीटी एग्जाम प्रथम पारी दोस्तों आयोजित कर ली गई। और दोस्तों आज का पेपर दोस्तों बड़ा ही गजब का पेपर था, और उसकी आंसर की दोस्तों सबसे पहले एकदम सटीक आंसर की दोस्तों आपके सामने लेकर आ गया हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की। और दोस्तों आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर बताऊंगा, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर क्या होगा। देखिए, मेंडल के अनुसार एक दीवशंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप दोस्तों कितना होता है। देखिए दोस्तों, 1:2:1 या दोस्तों 9:3:1 या दोस्तों 15:1 या दोस्तों 3:1। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर दोस्तों बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9:3:1 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य का कितना भाग दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको प्रतिशत में पूछे 11 फरवरी को, तो दोस्तों ध्यान रखना कितना होता है दोस्तों, 61.11% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना कितना होता है, 61.11%। और दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2/3 भाग है जो दोस्तों राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, किसके बीज द्वारा दोस्तों एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, चना, मक्का, जो या दोस्तों सोयाबीन। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सोयाबीन से दोस्तों एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं दोस्तों किस देश के सहयोग का दोस्तों परिणाम है। नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार या दोस्तों भूटान। इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल का दोस्तों ये क्या है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है भारत एवं नेपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, वह विटामिन जो दोस्तों हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, और कौन सा विटामिन है दोस्तों, विटामिन के या विटामिन डी या दोस्तों विटामिन B2 या विटामिन B1। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी है जो दोस्तों कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति दोस्तों जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को दोस्तों रक्तदान कर सकता है, वह है दोस्तों। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों उत्तर नंबर सी दोस्तों, जिसने दोस्तों उत्तर नंबर सी किया है उसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, BAB रुधिर वर्ग वालों को दोस्तों, बी रुधिर वाला व्यक्ति दोस्तों क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर नंबर सी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। विषम युग्म की संतान तथा उसके सम युग्म की जनक के मध्य दोस्तों जो संकरण कराया जाता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, प्रभावी संकरण, पूर्व संकरण, शुद्ध संकरण या दोस्तों परीक्षण संकरण। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे पूर्व संकरण के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दोस्तों थारन वेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसलमेर की जलवायु को कौन दर्शाता है। देखिए, उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों मैंने कितनी बार बताया कि EAD जो जलवायु आती है थारन वेट के अनुसार दोस्तों उसमें पश्चिमी राजस्थान आता है। वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर नंबर डी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री, सलाहकार समिति का सदस्य, ये तो दोस्तों क्या होता है, ये तो दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसमें देखिए अंतरराज्य परिषद का सदस्य, ये भी मुख्यमंत्री होता है। उत्तर नंबर सी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों क्या होता है, पूर्व न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है ना, वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता दोस्तों। तो उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों। देखिए, राज्य के कौन से जिले दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों स्थित है। बताइए दोस्तों, मैंने हमारे मॉडल पेपर में कितनी बार दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बताया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको बताया था ना, SBJ और बा दोस्तों, ये कितनी बार बताया था दोस्तों। ये पूछ रहा है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की तरफ, यहाँ से इस दिशा में पूछ रहा है। ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछ रहा है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और दोस्तों श्रीगंगानगर हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा आसान सा प्रश्न है, बता देता हूँ। देखिए, डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइलें दोस्तों कहाँ बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है दोस्तों, रिसाइकल बिन में बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर नंबर ए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, वागड़ी बोली दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में हूबहू दोस्तों आपको पूछा गया, नहीं पूछा गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या दोस्तों उत्तर पूर्वी या दोस्तों क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी। उत्तर नंबर डी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दक्षिणी पूर्वी में दोस्तों
वागड़ी बोली बोली जाती है, इसे दोस्तों बीली बोली भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है। और दोस्तों इस वागड़ी बोली पर दोस्तों ध्यान रखना गुजराती बोली का क्या है प्रभाव है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भारत में एक बायो पेटेंट दोस्तों कितने वर्ष तक दोस्तों वैध रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 10, 15, 20 या दोस्तों 5 वर्ष। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 20 वर्ष तक दोस्तों बायो पेटेंट क्या होता है वैध होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हूबहू दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया दोस्तों, मैंने बताया था ना राजस्थान की दूसरी राधा, दूसरी मीराबाई दोस्तों राणाबाई, ठीक है ना, डेरा पीलीबंगा सांतोरिया दोस्तों हरनाव में, इनका जन्म दोस्तों कहां हुआ था, हरनावा दोस्तों नागौर में हुआ था। उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार की बात हो रही है, सुनील अरोरा, ओम प्रकाश राजावत, सुशील चंद्रा या दोस्तों राजीव कुमार। देखिए दोस्तों आपको काफी लोग सारे लोग दोस्तों सुशील चंद्रा बता रहे होंगे, लेकिन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों राजीव कुमार, राजीव कुमार जिसने किया है उसका एक नंबर दोस्तों बिल्कुल पक्का है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए चीटी ये दोस्तों हिंदी का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 2002, 2003 या दोस्तों 2001 में। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना दोस्तों उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, सन 2000 में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सेकावाटी के किस संगठन की स्थापना दोस्तों 1921 के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखना, चिड़ावा सेवा समिति, सेकावाटी किसान पंचायत, सेकावाटी प्रधानमंडल दोस्तों, सेकावाटी सुधार संघ, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना दोस्तों जो हमारे असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी, उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों किसने की थी इसकी स्थापना ध्यान रखना, चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की थी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे दोस्तों चिड़ावा का गांधी कहते हैं ना, मास्टर प्यारे लाल गुप्ता ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, जिसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक दर्पण में किसी वस्तु एक्स का प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो दोस्तों दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, मतलब कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयिक दर्पण या दोस्तों समतल दर्पण। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन तथा दोस्तों किदांबी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या दोस्तों फुटबॉल। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, निम्नलिखित दस्तकारों में से दोस्तों किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कौन से कलाकारों को दिया गया है, महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्रीलाल जोशी या दोस्तों मोहनलाल कुमार। देखिए दोस्तों टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेराकोटा दोस्तों राजसमंद मोलेला की प्रसिद्ध है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो मोहनलाल कुमार है उसे दोस्तों पद्मश्री दिया गया है इस कला के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान दोस्तों कौन सा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए मंगलयान, पायोनियर फर्स्ट या दोस्तों पायोनियर 10 या चंद्रयान 2। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पायोनियर फर्स्ट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए दोस्तों जाली बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, दोस्तों हूबहू हमारे मॉडल पेपर से दोस्तों पूछे गए, सच्चे बताना दोस्तों कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से पूछा गया नहीं पूछा गया दोस्तों, हूबहू दोस्तों मैंने बताया था जाली बावड़ी और मामा देव का कुंड दोस्तों रट लेना, ये दोस्तों राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, जिसने देखा दोस्तों उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यों के निर्वाचन आयोग दोस्तों विधान सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में दोस्तों अपना परामर्श किसे देते हैं, देखिए राज्यपाल को, लोकायुक्त को या दोस्तों उच्च न्यायालय को या दोस्तों मुख्यमंत्री को, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल को देते हैं, ठीक है, उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार के से दोस्तों प्रत्यक्ष संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्ष या संबंधित है कौन सा दोस्तों, देखिए केवल संवैधानिक मुकदमों में की गई अपीलें या दोस्तों संघ और राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय या दोस्तों राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय या दोस्तों दीवानी आपराधिक संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
क्या होगा दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों जहां तक मेरे को मालूम है दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, इस क्वेश्चन में दोस्तों डाउट है, आपको कम्युनिटी बॉक्स में बता दूंगा। उत्तर नंबर दोस्तों बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हाँ ये देखिए दोस्तों, सैल्यूट फर्स्ट क्या है, एक रॉकेट है, नक्षत्र है, अंतरिक्ष स्टेशन है, दोस्तों भू स्थिर उपग्रह। उत्तर नंबर दोस्तों सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये दोस्तों अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में दोस्तों असत्य है। असत्य देखा था, देखना दोस्तों राज्यपाल, देखिए जो राज्यपाल होता है दोस्तों सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है दोस्तों, जो राजस्थान की प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही बात है, राजस्थान के सर्वविवेकीय जो राज्यपाल की सर्वविवेकीय शक्तियों में दोस्तों लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती दोस्तों, यही कथन क्या है दोस्तों गलत है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि राज्यपाल दो सोचेगा दोस्तों उसको न्यायालय में निर्णय क्या दी चुनौती दी ना जा सकती है दोस्तों, ऐसे नहीं हो सकता दोस्तों। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन देखें दोस्तों, बड़ा गजब का प्रश्न है। किस बजट वर्ष में दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दोस्तों राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की दोस्तों घोषणा की थी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 15-16, 14-15 या दोस्तों 16-17 या दोस्तों 2013-14। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2015-16 में दोस्तों की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वह यौगिक जिसके अपचयन से दोस्तों एल्कोहल मिलता है वह है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, नाइट्रो एल्किन, एल्किल नाइट्राइड या दोस्तों एल्किल साइनाइड। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, एल्किल नाइट्राइड दोस्तों, जिसके अपचयन से दोस्तों एल्कोहल बनता है। एल्कोहल को दोस्तों दारू कहते हैं, ध्यान रखना, शराब कहते हैं दोस्तों वाइन, ये एल्कोहल वही है। ठीक है ना, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ये तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों, हूबहू हमारे मॉडल पेपर से दोस्तों पूछा गया है। 1919 में दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था ना कि दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों वर्धा, अजमेर, जयपुर या दोस्तों बिजोलिया, इसकी स्थापना दोस्तों वर्धा में की गई थी। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1919 में दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में की गई थी। ये वर्धा कहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र में, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है ये दोस्तों, महाराष्ट्र में। और दोस्तों इसे 1920 में दोस्तों अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों क्या होगा, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में दोस्तों बांट दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2007, 1995, सन 2000 को, या दोस्तों 2012 को। उत्तर नंबर दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सन 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए कौन सी पर्वतारोही पांच 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों के शिखर पर्वत शिखर पर दोस्तों चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, प्रियंका मोहिते, प्रेमलता अग्रवाल, मालावत पूर्णा या दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। ठीक है, तो दोस्तों 8,000 मीटर से अधिक दोस्तों ऊंची चोटियों को दोस्तों शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दोस्तों शहरी बेरोजगारों को दोस्तों कितने दिन का रोजगार दोस्तों देने की गारंटी दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 100, 120, 150 या दोस्तों 60। उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 दिन की गारंटी दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कल पूछा था दोस्तों ये कब प्रारंभ हुई थी, ऐसा पूछा था ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए हाँ देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थान जी के हूबहू दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से पूछा गया है ये क्वेश्चन। दोस्तों मैंने हूबहू बताया था दोस्तों, मुकंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती की फटार में बताया था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना डिटेल से बताया था दोस्तों, ध्यान रखना, हमारे मॉडल पेपर में दोस्तों हूबहू क्वेश्चन पूछे गए हैं। 90+ स्कोर दोस्तों करवाने की मैंने जिम्मेदारी ली थी और दोस्तों 90+ स्कोर दोस्तों यहाँ से आपका बिल्कुल दोस्तों मैंने करवाया दोस्तों। उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाड़ौती का फटार। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन दोस्तों खुले रखने से क्या बनने के कारण दोस्तों काले हो जाते हैं। तो चांदी पर दोस्तों काले रंग की परत चढ़ जाती है, वो दोस्तों किसके कारण चढ़ती है, वो दोस्तों सिल्वर सल्फाइड के कारण चढ़ती है। उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द पारिस्थिति के दोस्तों सर्वप्रथम किसने दिया इसको दोस्तों, देखिए दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम, तो दोस्तों रिटर्न ने दिया था। उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए राजस्थान में मिशन बेबुनियाद दोस्तों संबंधित है, मिशन बुनियाद का दोस्तों कहां से है, किससे है, हेल्थ सेवाओं से, गरीबी उन्मूलन से, पुलिस सुधार से या दोस्तों डिजिटल लर्निंग से। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल लर्निंग से दोस्तों। ठीक है, उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
देखिए दोस्तों, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों कौन हैं 18 दिसंबर 2022 के अनुसार? देखिए डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर आलोक जैन या डॉक्टर राजवत बी सिंह या दोस्तों समीर वी कामत। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। डेस DASH आहार उन रोगियों को दोस्तों प्रस्तावित की जाती है जो दोस्तों इस रोग से ग्रसित है, किसे दी जाती है? दोस्तों देखिए, यकृत सिरोसिस, उच्च रक्तदाब वाले, रक्तहीनता या दोस्तों डटर सोच वाले रोगियों को। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसे दोस्तों क्या दी जाती है, हाइपर टेंशन रहता है, उसे दोस्तों क्या दी जाती है, डेस दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट आहार में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नदी जिसे दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वो दोस्तों किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, इस बात का ध्यान देखना। तो दोस्तों जो आवेदन पत्र है वो दोस्तों सरकारी पत्र नहीं होता है। ठीक है, उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वो दोस्तों किससे संचारित होते हैं? मल मौखिक मार्ग से या दोस्तों कीड़े के काटने से या पशु का व्यक्ति से संपर्क से या दोस्तों बूंदों से? उत्तर नंबर दोस्तों ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मल मौखिक मार्ग से। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। असत्य खतरन को दोस्तों छांटिए। देखिए, ग्रेफाइट में दोस्तों वी स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ग्रेफाइट को दोस्तों एक स्नेक के रूप में दोस्तों प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है दोस्तों, ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक होता है भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों यही क्या हो गया, यही दोस्तों गलत हो गया, ठीक है ना। उत्तर नंबर दोस्तों सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही दोस्तों असत्य खतन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट हाँ ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती? देखिए दोस्तों, अभिक्रिया नहीं होती दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया नहीं हो रही इसमें? तो देखिए दोस्तों, इसमें उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ZN वाली, जिंक वाली दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ दोस्तों जिंक सल्फेट या दोस्तों MG बन रहा है, तो दोस्तों ये अभिक्रिया नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक मिनट। हाँ ये देखिए दोस्तों, मोखड़ी क्या है दोस्तों? हूबहू हमारे दोस्तों जो मैंने दोस्तों क्या करा रखे हैं दोस्तों, जो दोस्तों नृत्य करा रखे हैं, आभूषण करा रखे हैं, उन वीडियो से दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। मैं बता रखा हूँ दोस्तों, जो लाख की चूड़ियाँ होती है उसे दोस्तों मोखड़ी कहते हैं। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अजरक प्रिंट के लिए दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर, बाड़मेर, कोटा है दोस्तों या जैसलमेर? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, अजरक प्रिंट के लिए दोस्तों राजस्थान का बाड़मेर प्रसिद्ध। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या होगा। देखिए ये कंप्यूटर का प्रश्न दोस्तों, यहां से देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का दोस्तों उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों कहां से किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर, जालोर, हनुमानगढ़ या दोस्तों जोधपुर से? उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर से किया गया था। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दोस्तों मैं दोस्तों श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर। जो मैंने बताया ना दोस्तों आपको, मैंने क्या बताया, उत्तर नंबर दोस्तों मैंने आपको बी बताया, इस क्वेश्चन से दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं श्योर नहीं कह सकता, इसका आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि साइंस का प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने 18/8/2022 को दोस्तों कुआलालमपुर में दोस्तों आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में दोस्तों अपना 25वां खिताब जीता था? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने जीता था? देखिए दोस्तों, 18/10/2022 की बात हो रही है, 8/10/2022 की बात हो रही है, सॉरी दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, पंकज आडवाणी ने, गीत सेट्टी ने या सौरभ कोठारी ने या दोस्तों आदित्य मेहता ने? इस क्वेश्चन में दोस्तों उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंकज आडवाणी ने जीता था दोस्तों 25वां खिताब दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। किस बैंक द्वारा दोस्तों भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी दोस्तों जारी की गई थी? SBI, PNB या दोस्तों BOB या दोस्तों HDFC? उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। राज्य सरकार को दोस्तों कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? देखिए, राज्य सरकार की बात हो रही है तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, महाधिवक्ता हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ, तो उत्तर नंबर बी दोस्तों क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? दोस्तों ध्यान रखना, जूट जो जूट आता है उसका दोस्तों मुख्य घटक क्या है? उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेल्यूलोज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास दोस्तों या बालकृष्ण कोल? देखिए, अजमेर के दोस्तों एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, ध्यान रखना, वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान के एकीकरण में इसका दोस्तों दो बार दोस्तों क्या हुआ था? दो बार दोस्तों एकीकरण हुआ था इसका, अजमेर का, ध्यान रखना। अजमेर मेरवाड़ के एकमात्र मुख्यमंत्री थे दोस्तों, ध्यान रखना, हरिभाऊ उपाध्याय। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में दोस्तों कौन सा जिला
निश्चित नहीं है। उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारा या दोस्तों सिरोही, उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी चित्तौड़गढ़। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, जो भौतिक परिवर्तन दोस्तों जो वापस बन सकता है वो कौन सा है दोस्तों। देखिए मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये दोस्तों वापस नहीं बन सकता दोबारा। मोमबत्ती का जलना, ये भी वापस नहीं बन सकता। बर्फ का पिघलना, दोस्तों बर्फ पिघल कर वापस बर्फ बन सकती है, बिल्कुल सही है, उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा के समय दोस्तों राजमहल में चित्तौड़गढ़ की ओवरी, दोस्तों चित्तौड़गढ़ की ओवरी नाम से दोस्तों कला विद्यालय की स्थापना किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन था, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जयसिंह या दोस्तों महाराणा प्रताप। हु दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने दोस्तों आपको बताया उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह प्रथम दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसके साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि देवगढ़ दोस्तों जो चित्रशैली है, देवगढ़ चित्रशैली की दोस्तों कौन सी प्रसिद्ध है, अजारा की ओवेरी प्रसिद्ध है देवगढ़ चित्रशैली को दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ मैंने आपको यह भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, अरावली शिवालिक विद्यन या दोस्तों अनामलाई। अरावली तो दोस्तों सबसे प्राचीन है, तो उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर शिवालिक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अजमेर के अजयराज चौहान की दोस्तों पिता कौन थे, विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय या पृथ्वीराज प्रथम या दोस्तों चंद्रराज द्वितीय। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज प्रथम दोस्तों जितने भी राजस्थान के पर्सन है दोस्तों हु दोस्तों हमारे दोस्तों मॉडल पेपर से दोस्तों पूछे गए, 90+ स्कोर दोस्तों मैंने करवाने की जिम्मेदारी ली थी, वो दोस्तों मैंने पूरा किया है दोस्तों। अब दोस्तों आपका फर्ज बनता है चैनल को भाई सब्सक्राइबर कर देना, अगर दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिए यार, आपका भाई आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको फर्ज बनता है ना चैनल को सब्सक्राइबर करना, तो भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और दोस्तों लाइक जरूर कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में दोस्तों राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और दोस्तों विधानसभा में दोस्तों जो प्रतिपक्ष का नेता होता है, उत्तर नंबर सी दोस्तों इसकी सलाह से दोस्तों राज्यपाल क्या करता है, लोकायुक्त की दोस्तों नियुक्ति करता है, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन था, के दोस्तों गोयल था, उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, के गोयल, वेरी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कुमार गोयल दोस्तों राजस्थान वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखना इंद्रावती नदी जिस पर दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है, महानदी पर, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है, हु दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा भाई, अब तो कर लीजिए। ठीक है ना, मलिनाथ जी, तेजा जी, रामदेव जी या दोस्तों गोगा जी, उत्तर नंबर दोस्तों तेरह ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है दोस्तों। कितनी बार बताया दोस्तों, हु दोस्तों एक क्वेश्चन देखे पूछा गया, इसमें दोस्तों प्रत्यक्ष परिणाम की जरूरत नहीं है। ठीक है, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रक्त कोशिकाएं जो दोस्तों शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों को से दोस्तों सुरक्षित रखते हैं, वे हैं कौन है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, तो सवेताणु या पट्टिकाणु, लसिकाणु या दोस्तों रक्ताणु, उत्तर नंबर दोस्तों ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो सवेताणु है दोस्तों जिन्हें WBC कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो दोस्तों क्या करते हैं हमारे शरीर से दोस्तों बाहरी रोगाणु से रक्षा काम करने का काम करते हैं, रक्षाणु का। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत दोस्तों कितने रुपये की प्लेट में दोस्तों दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7, 8, 12, 17 एक क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा गया है, उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8 रुपए में, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। भारत में शंकुधारी वृक्ष दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, देखिए दोस्तों ये तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है भाई, देखिए बात करते मैग्रोव वनों को दोस्तों सुंदरी वन कहते हैं, ये भी नहीं हो सकते, तो दोस्तों उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए एलिस बालियास्की को दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, वे निम्नलिखित में से दोस्तों किस देश के थे, देखिए दोस्तों बेलारूस, रूस, इंग्लैंड या दोस्तों यूक्रेन, उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वे यूक्रेन के थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2008 को, 2 अक्टूबर 2010 को या दोस्तों 2 अक्टूबर 2005 को, उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो और दोस्तों क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की दोस्तों मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को दोस्तों किस देश ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या दोस्तों भारत ने? इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उज्बेकिस्तान ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम को साठ है तो दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है। हाँ ये देखिए दोस्तों क्या है, निम्नांकित में से दोस्तों कौन से दशक में राजस्थान में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी? सबसे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम कहाँ पे रही थी? जनसंख्या का विस्फोट किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों देखिए उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1971 से 1981 में दोस्तों क्या हुआ था, जनसंख्या विस्फोट हुआ था। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्कों के लिए दोस्तों निकटतम बिंदु दूरी दोस्तों क्या है? क्या है दोस्तों बताइए, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर या दोस्तों 25 मीटर? इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों निकटतम बिंदु दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर बी दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों जोधपुर में स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों बोरानाडा, जहाँ पर दोस्तों रिको द्वारा क्या किया गया है, एग्रो बोर्ड द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। मंडोर भी जोधपुर में है, पाल शिल्प ग्राम ये भी दोस्तों कहाँ है, जोधपुर में। नापासर दोस्तों बीकानेर में। उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जोधपुर में स्थित नहीं है, नापासर बीकानेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंजोइक अम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, बागौर के कारण मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखना, जो केला देवी का मंदिर है दोस्तों उसमें तो नृत्य किया जाता है, लांगुरिया नृत्य है। ठीक है ना, और इसमें दोस्तों जो बाड़मेर का कानन मेला है इसका मुख्य आकर्षण दोस्तों कौन सा नृत्य है? बुआई नृत्य, गुर्दा नृत्य, गिद्ध नृत्य और या दोस्तों गेर नृत्य है? उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेर नृत्य है। ये दोस्तों बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण का नृत्य है दोस्तों, ध्यान रखना गेर नृत्य किया जाता है। उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल दोस्तों है? राजस्थान राज्य गंगानगर जो शुगर मिल है वो दोस्तों सरकारी कंपनी है या दोस्तों सरकारी सहकारी क्षेत्र की कंपनी है या दोस्तों सरकार व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है या दोस्तों निजी क्षेत्र की कंपनी है? उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, सरकार व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है दोस्तों। ठीक है ना, उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए किस सभ्यता को दोस्तों, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष पाए जाते हैं? दोस्तों कितने बार होता है किलेबंदी के अवशेष? भाई गंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नड क्या है? नड दोस्तों एक प्रकार के दोस्तों क्या है, वाद्य यंत्र दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और चार लकड़ी की पट्टिकाएं या दोस्तों जुड़वा बांसुरी, एक तार वाला वाद्य या दोस्तों एक लंबी बांसुरी? दोस्तों एक लंबी बांसुरी है, एक बांसुरी की तरह आती है, लंबी बांसुरी। उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हाँ ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों साइंस का है, ग्रेगर मेंडल ने दोस्तों किस पर कार्य कर आनुवांशिक के नियम दोस्तों प्रतिपादित किए थे? सरसों, समुद्री अर्चिन, मटर या दोस्तों ब्रंगों पर? उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाइसम सटाइवम दोस्तों इसका बोटनिकल नाम है। तो उत्तर नंबर दोस्तों सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मटर पर कार्य कर दोस्तों ग्रेगर दोनों मेंडल ने आनुवांशिक के नियम दिए थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्ट का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? अरे भाई ये क्वेश्चन कल तो आया था, आज फिर से पूछ लिया। देखिए दोस्तों HD सांकलिया, यही है दोस्तों उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, HD सांकलिया के नेतृत्व में दोस्तों आर का उत्खनन कार्य हुआ था, बनास नदी के किनारे उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमर साई किसका नाम है? दोस्तों एक क्वेश्चन हूबहू हमारे मॉडल पेपर से पूछे गए हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष में परिणाम की दोस्तों जरूरत नहीं है। वो बोल रहा था दोस्तों 90+ स्कोर दोस्तों करवाने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों, और मैंने करवाया भाई। ठीक है ना, तो आपका फर्ज बनता है दोस्तों चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों 90+ स्कोर दोस्तों मैंने करवाया दोस्तों, ये मैं दोस्तों गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे जो मॉडल पेपर थे दोस्तों वहां से दोस्तों हूबहू यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए आपके लिए आए हैं। ठीक है, देखिए अमर साई दोस्तों किसका नाम है, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, जूतिया दोस्तों पगड़ी? देखिए जिसने मेरे मॉडल पेपर देखे ना उसने दोस्तों ऑप्शन फड़े नहीं होंगे, वो तो डायरेक्ट दोस्तों पगड़ी पर टिक लगाया होगा। ठीक है ना, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की दोस्तों विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन से दोस्तों, आपको दोस्तों कम्युनिटी बॉक्स में इस क्वेश्चन का मैं आंसर दोस्तों जरूर बता दूंगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन से दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। राजस्थान का कौन सा जिला दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का दोस्तों भाग है? कोटा, जयपुर, बीकानेर या दोस्तों अजमेर? इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर देखिए,
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोटा है उसमें दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का दोस्तों भाग है। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। कौन दोस्तों सनो टाइगर के नाम से दोस्तों जाने जाने वाला एम दोस्तों 1977 में कंचनजंगा को फतह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसके दोस्तों हाल ही में अक्टूबर 2022 में दोस्तों मृत्यु हो गई? कौन था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नल प्रेमचंद था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कर्नल प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ये दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न है। ये देखिए दोस्तों, जस्टिस पंकज मित्तल दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बने? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, 40वें ये दोस्तों न्यायाधीश बने। उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, ये दोस्तों सबने सही किया होगा लगभग दोस्तों। इसका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है ना। उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती समिति के सदस्य होते हैं दोस्तों, तो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों निर्वाचित होते हैं, या मनोनीत होते हैं, या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, या दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। पंचायत के जो दोस्तों पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर दोस्तों जोहड़बीड़ में स्थित है। उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर जोहड़बीड़ में दोस्तों। आपको बताया ना, जोहड़बीड़ में दोस्तों। हर क्वेश्चन दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से पूछा गया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन से दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन से दोस्तों श्योर नहीं हूँ। जितने भी दोस्तों ऐसे 2-3% है दोस्तों जिनसे मैं श्योर नहीं हूँ, उनका आंसर दोस्तों मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में बता दूंगा शाम को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जिन क्वेश्चन से श्योर नहीं हूँ उनका दोस्तों आंसर मैं आपको शाम को कम्युनिटी बॉक्स में बता दूंगा दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट को मैं दोस्तों कंफ्यूजन में डालूं दोस्तों। जिसका आंसर में दोस्तों मुझे डाउट है, उसका आंसर दोस्तों मैं आपको नहीं बता रहा। इसलिए नहीं बता रहा कि दोस्तों आप फालतू में दोस्तों कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों मैं नहीं बता रहा। तो दोस्तों उसका आंसर आपको शाम को कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता दोस्तों कौन है, जिनका दोस्तों 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर डी दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुलाम अब्बास मुंटीसिर दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोडाउन कहां पाई जाती है? गोडाउन दोस्तों बताया था ना, गोडाउन है जो दोस्तों हमारा राज्य पक्षी है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पाई जाती है भाई? जैसलमेर में पाई जाती है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार दोस्तों किस अनुच्छेद में राज्यपाल का शपथ प्रारूप दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राज्यपाल का शपथ प्रारूप किस अनुच्छेद में है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 169 में दोस्तों। अनुच्छेद 169 में दोस्तों राज्यपाल का क्या है? शपथ प्रारूप है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में दोस्तों कितने प्रतिशत तक दोस्तों वन क्षेत्रों का दोस्तों अंतर्गत होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने प्रतिशत तक दोस्तों क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट है, 20% दोस्तों। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर लेंस की दोस्तों क्षमता होती है, उत्तर लेंस की बात हो रही है दोस्तों, उत्तर लेंस में कौन सी क्षमता होती है? पॉजिटिव होती है ना उत्तर लेंस में, तो उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर अवतल पूछे तो दोस्तों ऋणात्मक करना है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि इधर वाले। हाँ दोस्तों, ये तो हो गया। तो दोस्तों ये था दोस्तों आपका मॉडल पेपर दोस्तों, सॉरी दोस्तों मॉडल पेपर नहीं है भाई, सीईटी का जो जो आज का पेपर लगा था प्रथम पारी का दोस्तों, 5 फरवरी दोस्तों प्रथम पारी का दोस्तों जो सीईटी एग्जाम का पेपर था दोस्तों, बड़ा गजब का पेपर आया था दोस्तों आज। और दोस्तों उसके एकदम दोस्तों सटीक आंसर की दोस्तों मैंने बताया दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों देखिए, अगर आप तक आपने दोस्तों अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइबर नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना दोस्तों। बिल्कुल ऑथेंटिक दोस्तों आंसर की दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि यार आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आपका भाई लगातार दोस्तों आपके साथ जुड़ा रहेगा और कंधे से कंधे मिलाकर दोस्तों चलेगा। 90+ स्कोर दोस्तों करवाने की जिम्मेदारी लिया था दोस्तों, पूरा निभाया उसे। और दोस्तों आपके लिए दोस्तों चैनल को जरूर जरूर दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू भाई।